आज की वीडियो में हम पेमेंट की कुछ और ट्रांजेक्शन्स देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, बिजी में हमने लास्ट वीडियो में पेमेंट में कुछ एक्सपेंसेस को मेंटेन किया था। पेमेंट वाउचर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पेमेंट वाउचर पे आके एक बार लिस्ट ओपन करती हूँ जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने पेमेंट वाउचर में पहले की थी। तो यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन देखेंगे, ये सारी ट्रांजेक्शन हमने की थी। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सभी ट्रांजेक्शन जनरल वाउचर में करना चाहते हैं या फिर आप परचेज वाउचर यूज़ करना चाहते हैं एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए, तो आप वहाँ पर भी इस ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने कुछ और एग्जाम्पल भी लिए हैं एक्सपेंसेस के, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जर्नल पर आई हूँ और मैंने यहाँ पर ऐड किया, तो एक बार हम इसके लिस्ट पे जाते हैं। मैंने कुछ ट्रांजेक्शन की है, अभी मैंने एक ही ट्रांजेक्शन की हुई है इसमें आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए, जैसे मैंने एक ट्रांजेक्शन की हुई है जर्नल वाउचर में, यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन मैंने कार एक्सपेंसेस को लेके अनरजिस्टर्ड RCM में भी की है। बट अगर मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर से सर्विसेज ली हैं तो उस केस में हमने ट्रांजेक्शन कर ली थी। बट यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि मैंने रजिस्टर्ड पार्टी से एक्सपेंस किया है, रजिस्टर्ड एक्सपेंस है ये मेरा B2B के थ्रू। तो हमने यहाँ पे जो कार की सर्विसेज ली हैं वो हमने बड़ी कंपनी से ली हैं जिसने हमारा प्रॉपर GST भी हमसे लिया है। तो हमें प्रॉपर GST के साथ हमने पेमेंट किया है, तो हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पेमेंट वाउचर में भी आप कर सकते हो और जनरल वाउचर में भी कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन मैंने की हुई है, तो यहाँ पे GST नेचर है, GST नेचर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है रजिस्टर्ड एक्सपेंस, यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए सभी टाइप के एक्सपेंसेस आपको शो हो रहे हैं, आप जो भी लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी तो हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो RCM या अनरजिस्टर्ड के केस में करते हैं या फिर रजिस्टर्ड के केस में करते हैं या फिर एग्जेम्प्ट या हमारा कुछ ऐसा एक्सपेंस होता है तो उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए जैसे हमने रजिस्टर्ड एक्सपेंस लिया है, तो यहाँ पर हमने एक्सपेंसिस को डेबिट किया है जो हमारा एक्सपेंस है, और यहाँ पर मैंने अमाउंट दिया हुआ है 8000 रुपीज़। एंड यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे CGST इनपुट और SGST इनपुट, या आपका जो टैक्स है वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे HDFC बैंक हमने लिया है, और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सामने एक विंडो अपीयर हो जाएगी रजिस्टर्ड एक्सपेंसेस के लिए, जिसमें यहाँ पे आपको अगेंस्ट लेना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टाटा मोटर्स मैंने एक पार्टी ले ली है जिससे मैंने कार की सर्विसेज ली हैं। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर एक इनवॉइस नंबर के थ्रू एक ट्रांजेक्शन कर दी है, और ये जो ट्रांजेक्शन है ये हमारी GSTR2 में रिफ्लेक्ट भी होगी और आप इसको एग्जैक्टली सेव कर सकते हैं। तो जैसे हमने पेमेंट वाउचर में लेके ऊपर हमने GST नेचर लेके ट्रांजेक्शन की थी एक्सपेंसिस की, वैसे ही आप जनरल वाउचर में भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एज इट इज़ एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम परचेज में भी अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रही हैं, अगर हम कोई स्टॉक आइटम परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे हमने आइटम्स भी क्रिएट कर रखी हैं। अकाउंट्स पे आप यहाँ पे आते हैं, आइटम पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक आइटम बनाई थी हैंड वॉश मैंने एक आइटम बनाई थी, एंड इसको मैंने अंडर जर्नल रखा है। और यूनिट्स हमने यहाँ पे पीसेस लिया है, मैंने यहाँ पे 18% GST फिक्स भी किया है। HSN कोड मैंने यहाँ पे HSN कोड मैंने गुड्स के लिए यहाँ पे लिया हुआ है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे स्पेसिफाई परचेज अकाउंट, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है अपने हैंड वॉश को लिंक कर रखा है मिसलिनियस एक्सपेंसेस के साथ, तो यहाँ पे हमने मिसलिनियस एक्सपेंसेस लिया हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं सैनिटाइजर, मैंने एक और आइटम ली है, इसको भी मैंने एज अ वेलफेयर एक्सपेंस मैंने लिया है, इस पर GST 12% फिक्स किया हुआ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, इसको हम एज अ स्टॉक अगर नहीं मेंटेन करें तो हम यहाँ पे इसको, ये ऑप्शन आपका नो ही रहेगा, आपने इसको भी यस नहीं करना है। ओके, सैनिटाइजर है ये आपका स्टॉक ही है, आप इसको स्टॉक में ही यूज़ करेंगे। ओके, तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं स्टॉक आइटम लेकर, तो परचेस वाउचर में अगर हम आते हैं, मैंने ट्रांजेक्शन की हुई है, मैं आपको शो करवा देती हूँ। जैसा कि यहाँ पे अभी मैं ऐड पे जा रही हूँ एंड यहाँ से मैं लिस्ट सेलेक्ट कर रही हूँ, हमने कुछ ट्रांजेक्शन की हुई है परचेज़ की भी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ट्रांजेक्शन है कौन कौन सी हमने की हुई है। तो देखेंगे यहाँ पर
यहाँ पे देखिए मैंने जैसे दोनों आइटम्स के लिए ट्रांजेक्शन की हुई है, जैसे कि फर्स्ट हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जीएसटी नेचर भी आते हैं, ऊपर आपको जीएसटी से रिलेटेड डिटेल्स देनी होती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पे वाउचर नंबर ले लिया है और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है परचेज टाइप। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी टाइप के सभी टाइप्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे कि अभी मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ तो आप देखेंगे ये सारे आपके पास शो कर रहे हैं। तो अभी मैंने जो जीएसटी लिया है वो मैंने एल जीएसटी आरसीएम के लिए लिया है, आरसीएम मैंने इसमें लेना है। तो एल जीएसटी अनरजिस्टर्ड, फॉर एग्जांपल मैं अनरजिस्टर्ड पार्टी से अगर ये प्रोडक्ट ले रही हूँ और ये जो मेरा इनवॉइस है ये कैश में मेरे पास आया है, तो इसको हम अनरजिस्टर्ड में कंसिडर करेंगे एंड आरसीएम हमें इसको इस पर पे करना होगा, जिसमें जो रिवर्स चार्ज लिमिट होगी वो हमारी बेस्ड ऑन डेली लिमिट होगी एंड जो आईटीसी एलिजिबिलिटी है वो आप इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज ले लेंगे। ओके, एंड उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आइटम हमने लिया हुआ है, इसकी क्वान्टिटी है, यूनिट है, प्राइस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है एंड यहाँ पर कोई भी टैक्स आपका कैलकुलेट नहीं होने वाला है क्योंकि आरसीएम के अंडर है, अनरजिस्टर्ड पार्टी है, उसने आपको कोई भी इन्वॉइस नहीं दिया होगा टैक्स इन्वॉइस, तो ये आप नॉर्मल अपने एक्सपेंसिस का रिकॉर्ड रख रहे हो विद अनरजिस्टर्ड डीलर। ओके, तो यहाँ पर भी आप अपना जीएसटी नेचर जो है परचेज टाइप को सिलेक्ट करके कर सकते हो। यहाँ पे हमने सेव किया है, अभी मेरा कैश बैलेंस नेगेटिव है तो अभी हमने रिसिप्ट की और ट्रांजेक्शन करनी है, तो उसके बाद हम इसको भी पॉजिटिव कर लेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे मैंने सैनिटाइज़र एक नेक्स्ट आइटम ले रखी है और ये जो आइटम मैंने ली है इसमें मैंने जो परचेज मेरा टाइप है वो 12% जीएसटी इस पर चार्ज होना है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे जीएसटी ले लिया है। और एक मैंने रजिस्टर्ड पार्टी, यहाँ पे मैंने पार्टी जो है वो मैंने रजिस्टर्ड ले ली है, जो कि रजिस्टर्ड पार्टी ने मेरे को एक प्रॉपर इन्वॉइस बना के दिया हुआ है, टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है उसके ऊपर। तो यहाँ पर हमने आईटीसी एलिजिबिलिटी में इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज ले लेना है एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आइटम पे सैनिटाइजर मैंने ले लिया है, क्वांटिटी ले लिया है, रेट ले लिया है एंड यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे F4 आप प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे आप अप्लाई टैक्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टैक्स होगा उसके ऊपर जितना भी परसेंटेज आपने टैक्स फिक्स किया होगा वो टैक्स आपका अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, एंड उसके बाद हम इसको कर देंगे सेव। तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस के सभी टाइप्स बता दिए हैं जिसमें भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और यहाँ पे आप जो अपनी पेमेंट की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे एक्सपेंसेस की आप पेमेंट करते हैं, आप किसी भी परचेज के इनवॉइस के अगेंस्ट अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप जनरल वाउचर, परचेज वाउचर को स्टॉक के साथ लेके या फिर पेमेंट वाउचर में जीएसटी नेचर को सिलेक्ट करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस ख़त्म होते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सर्विसेज का रिकॉर्ड रखना बताऊँगी कि आपने सर्विसेज का जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कैसे करनी है और हम आगे भी इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो भी करेंगे। तब तक के लिए आप इतना करके रखिएगा कि करके देखिएगा, कोई भी डाउट होता है प्लीज़ पूछिए एंड अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन कॉल अस, व्हाट्सएप अस। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।